खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड जल संस्थान के ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने सोमवार को श्रमिक संघ का बैनर लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सरकार से विभागीय संविदा देने की मांग की और उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग पर अभी भी विचार नहीं करती है तो वे सचिवालय कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा श्रमिकों की मांग ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर सभी की सेवाएं नियमित करने की है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी धरने को समर्थन किया। इस दौरान पनेरू ने कहा कि अगर सरकार, प्रशासन और विभाग संविदा श्रमिकों को मांगों की जल्दी पूरी नहीं करती है तो सभी श्रमिक और राज्य आंदोलनकारी मिलकर आंदोलन करेंगे। बता दें कि धरना स्थल पर लोगों की भीड़ ने यह संकेत दिया है कि श्रमिक संघ अपनी मांगों को लेकर अडिग है और संघर्ष को जारी रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2200 करीब कर्मचारी हैं उत्तराखंड जल संस्थान के, ठेका कर्मी हैं। इनका पिछले 10-15 सालों से कार्यरत है, इनका उत्पीड़न हो रहा है और शासन ने 2023 में एक आदेश जारी किया है कि इनको पोर्टल के माध्यम से संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति किया जाए। उसका पालन कराने के लिए पिछले 24 दिनों से देहरादून राजधानी में धरने में बैठे हुए हैं। कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी शासन के संज्ञान में हमने डाला है और तमाम जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में डाला है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि इनका शोषण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मांग एक ही है कि हमें किसी सेवाजन पोर्टल या अन्य आवश्यक एनजीओ द्वारा हमें विभाग में समायोजित किया जाए, क्योंकि हम 15-15-20 सालों से लगातार यहाँ पे काम करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमारी वेतन जो है 8 से 9 हज़ार मिलता है। आप इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेंगे अपने पाल बच्चों का। हमारी मांग है कि हमें किसी भी आउटसोर्स एजेंसी या सेवाजन पोर्टल द्वारा हमें विभाग में समायोजित किया जाए, जो हमारा वेतन है उसको ठीक ठाक किया जाए, कि हमें जो है सेवाजन पोर्टल के माध्यम से जो है समायोजित किया जाए। और श्रमिकों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहा है। इस शोषण से और अन्याय से बचने के लिए मतलब जो है समायोजन पोर्टल में करके संविदा से जोड़ करके सभी कर्मचारियों को एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे इनका शोषण ना हो सके। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, एक ही मांग है कि हमें सेवायोजन पोर्टल या ओपनर के माध्यम से या पीआईडी के माध्यम से विभाग में या किसी भी उसमें समायोजित किया जाए। इतनी कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई बजट में भी इनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ना है। हम कह रहे हैं कि हमें वही सैलरी दी जाए जो आप 18-20 हज़ार रुपये ठेकेदार को दे रहे हैं। एक ठेकेदार को पनपाने से अच्छा हम कर्मचारियों का भला किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो भी प्रांत के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 12 तारीख को हम सचिवालय कूच करेंगे।